नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज की एक और प्रस्तुति में। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फिल्म एक 300 करोड़ के बजट की फिल्म है। जी हाँ, सही सुना आपने, 300 करोड़। और 300 करोड़ की फिल्म बजट बनाने की हिम्मत कौन कर सकता है? ऑब्वियसली राजामौली सर। SS राजामौली जो हैं वो बना रहे हैं 300 करोड़ की एक फिल्म। और इस फिल्म की खासियत क्या है कि इस फिल्म में पहली बार जूनियर NTR काम करने जा रहे हैं रामचरण के साथ। जूनियर NTR और रामचरण, ये दोनों बहुत ही बैंकेबल स्टार्स हैं तेलुगु फिल्म के। और उनके बारे में जो है, उस फिल्म के बारे में अभी थोड़ा बहुत खुलासा किया लॉयड स्टीवन ने, जो कि सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं, रणवीर सिंह के साथ काम कर चुके हैं, ऋतिक रोशन के साथ काम कर चुके हैं। इनफैक्ट जूनियर NTR के साथ भी जो उनकी पिछली फिल्म थी अरविंद समेथा, जिसमें कि उनकी चिजल्ड बॉडी और एक काफ़ी मैचो इमेज के साथ आए हैं, उस फिल्म का भी लुक एंड फील जो था इन्होंने ही तैयार किया था। वैसे राजामौली की यह फिल्म, जिसका कि टेंटेटिव नेम RRR है, वो जो है पहली बार ऐसे ही फिल्म बन रही है जिसमें कि NTR और रामचरण एक साथ काम कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दोनों एक्टर जो हैं ये बहुत ही बैंकेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी एक और खासियत क्या है इन दोनों स्टार्स के साथ, ये दोनों स्टार बहुत सहज एक्टिंग करते हैं। तो राजामौली को जिस तरह का एक परफॉर्मेंस चाहिए होता है, मैं श्योर हूँ कि वो इन दो एक्टर से उनको मिल जाएगा। इनफैक्ट रामचरण और NTR ने तो ये फिल्म जब साइन की थी उस समय उनको फिल्म की स्टोरी का भी आइडिया नहीं था। उन्होंने उनको सिर्फ आकर के ये बताया गया कि दो भाइयों की कहानी है, एक तुम हो एक तुम हो, क्या साइन करने को तैयार हो? वो दोनों साइन कर बैठे। रामचरण ने रंगस्थलम की प्रमोशन करते समय जब पूछा गया उनसे कि फिल्म क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम है, मुझे जल्दी ही स्क्रिप्ट सुनाई जाएगी, उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि क्या हो रहा है। तो इस तरह से तो जो है भरोसा है इन एक्टर्स को, इन डायरेक्टर पे, और डायरेक्टर को भी भरोसा है क्योंकि 300 करोड़ रुपए लगा करके वो आदमी जो है इन दो एक्टर्स पे दांव खेलने के लिए तैयार है। फिल्म जो है बॉक्सिंग के बैकग्राउंड पे है, हमने सुना है, क्लियर नहीं है लेकिन ये ऐसी सुनने में आई है बात। और रामचरण और ये दोनों व्यक्ति जो है भाई का रोल कर रहे हैं। DV दनाया ने जो है ये कन्फर्म भी कर दिया है कि फिल्म का बजट 300 करोड़ है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखें कि प्री प्रोडक्शन का काम इस फिल्म का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आर्ट डिपार्टमेंट जो है वो तमाम सेट्स वगैरह बनाने के जो उपक्रम होता है उसको शुरू कर चुका है। लुक एंड फील इसका बहुत ज़्यादा डिजिटल रहेगा, मुझे आज बात का आभास हो रहा है, बिकॉज राजामौली क्या करते हैं, एक अलग दुनिया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आप एक चीज़ खुद सोचें कि 300 करोड़ का बजट एक बॉक्सिंग फिल्म में जाएगा कहाँ, बजाय इसके कि अब आप एक्टिव बॉक्सर्स को लेकर के पूरी दुनिया भर के चले आएँ, ये 300 करोड़ का बजट कहाँ जाएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात तो खास है, आप ये तस्वीर भी जब देख रहे हैं राजामौली की दोनों यंग एक्टर्स के साथ, तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि बड़ी ब्रोहोमी, एक दोस्ताना जो है लहजा है इन तीनों के बीच में। ये लहजा जो है ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कॉमन है और इसके पीछे मैं आज आपको राज बताता हूँ। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन भी है, लेकिन ये कॉम्पिटिशन सिर्फ फैंस के लेवल पर है कि यंग टाइगर का जो फैन क्लब है वो मेगा स्टार के फैन क्लब के साथ कभी एक साथ जो है मिल नहीं सकता है। लेकिन जब ये एक्टर्स आपस में आप देखें इनको, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्टर्स एक दूसरे को भाई के जैसा मानते हैं। इसका कारण ये है कि ये सारे सेकंड थर्ड जनरेशन के एक्टर्स हैं। इन सबों को जो है एक साथ बड़े होने का मौका मिला है। इनके पिता एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, एक दूसरे से प्रेम इज्जत करते हैं एक दूसरे की, और वही जो एक अपनापन है इनके पिता लोगों के बीच में, इनके दादाओं के बीच में जो था, वही एक अपनापन जो है इन लोगों के बीच में भी आ गया है। एक साथ बड़े पड़े हैं, एक ही सर्कल में उठना बैठना रहा है, एक ही जगह पर जो है इनका कॉमन फ्रेंड्स, कॉमन लाइफ, कॉमन वर्क प्लेस। तो अब ये इस तरह की स्थिति हो गई है कि इन लोगों के बीच में द्वेष तो कहीं नहीं है सिवाय फैंस के लेवल पे। तो ये जब दो एक्टर आएंगे जो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो देखने में मज़ा ही कुछ और होगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ इस फिल्म को लेकर के, इस फिल्म के 300 करोड़ के बजट को लेकर के। और सबसे बड़ी बात कि राजामौली जो है वो अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में एक कोई, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि डायरेक्टर ग्रो करता है, राजामौली भी जो है ग्रो करते करते पहुँचे हैं इस लेवल पर। ये नहीं है कि उनकी पहली फिल्म ही जो है सीधे चली गई थी इतनी बड़ी होने के लिए, नहीं, वो फिल्म जो है धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया अपना लेवल और एक ऐसे जगह पे मुकाम पे आप पहुँचे हैं जहाँ 300 करोड़ उनके नाम पे डालने के पहले कोई प्रोड्यूसर दो बार सोचता नहीं। तो हम देखेंगे फिल्म कैसी बनती है, इस फिल्म के बारे में जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी हमारे पास हम आपको बताते जाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही है आपके सामने पूरे हिंदुस्तान भर के हर कोने से हर तरह की खबर, फिल्मों की, पॉलिटिक्स की,
रियल लाइफ की अचीवमेंट्स की अच्छी खबरें, बुरी खबरें, रुलाने वाली खबरें, हंसाने वाली खबरें, ये तमाम हम आपके सामने लेकर के आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो आप YouTube पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। YouTube पर भी हमारा चैनल है जहाँ पर हम ऑलमोस्ट अपने सारे वीडियोज़ अपलोड करते हैं। उसका नाम है TODEZ Todays और इसी नाम से जो है उपलब्ध है हमारा ऐप भी गूगल के प्ले स्टोर पर। फिर दोबारा जो है इसी फिल्म को जो है एक नया आयाम देते हुए, मैं हूं अनुपम सिन्हा, ये है टुडेज और आप हैं हमारे प्यारे दर्शक।